हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। हम लोगों ने वेक्टर के बहुत से टाइप्स जो है हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट यूनिट मैग्नीट्यूड है ना, वैसा वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास यूनिट मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अगर किसी नंबर को मान लेते हैं, ये एक नंबर है n, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोई यूनिट वेक्टर से तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ये नंबर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम लोग कोई स्केलर क्वांटिटी है उसके साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते, ये हो गया आपका कोई स्केलर क्वांटिटी है और उसको हम लोग यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। या फिर वेक्टर बी अलोंग यूनिट वेक्टर ए है ना, तो अगर हम किसी नंबर या स्केलर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी यूनिट वेक्टर से, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो वेक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई वेक्टर है इनटू, तो प्रोडक्ट जो है वो दो प्रकार का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट भी होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट भी और डॉट प्रोडक्ट भी, तो दोनों का अलग अलग रिजल्ट आता है ना, जिसको हम लोग प्रोडक्ट में देखेंगे, जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है कि अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है ए और इसके साथ हम लोग यूनिट वेक्टर जोड़ते हैं तो इसके डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट इंक्रीमेंट होगा, मतलब इकाई मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, ओके? तो ये यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी था। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन अभी आप यूनिट वेक्टर देखें तो कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो हमने दिए ना कि हाँ ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ है, ये तो नहीं दिए, लेकिन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में ये मेंशन रहता है कि जितने भी ऑर्थोगोनल, देखिए तीन तरह के हम लोग पढ़ेंगे आई जे एंड के, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मतलब हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया
जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा है ना, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई एक्सिस को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर होता है जे, और जेड एक्सिस को दिखाने के लिए के। मतलब अगर हम लोग बोलेंगे टू आई, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दो यूनिट, यहां पर आई लगते हम लोगों को पता चल गया कि ये किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और कितना, तो ये मैग्नीट्यूड है टू यूनिट मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर हम बोलते हैं थ्री के, तो ये क्या हो गया, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में थ्री यूनिट। अगर बोलते हैं माइनस फाइव जे, तो अगर वाई एक्सिस पर पॉजिटिव जे है तो वाई डैश एक्सिस पर निगेटिव जे होगा, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर फाइव यूनिट। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर स्थित यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis are called ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन होते हैं, तो देख लीजिए, एक्स एक्सिस के अलोंग आई और एक्स डैश के अलोंग माइनस आई, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे और वाई डैश के लॉन्ग माइनस जे, जेड एक्सिस के लॉन्ग के और जेड डैश एक्सिस के लॉन्ग माइनस, है ना। देख लेते हैं एक्स आई है ना और एक्स डैश इक्वल टू माइनस आई, y के लॉन्ग j और y डैश के लॉन्ग माइनस j, z के लॉन्ग k और z डैश के लॉन्ग माइनस k। ठीक है, अगर हम इन वेक्टर्स का मॉडुलस निकालें, मॉडुलस ऑफ वेक्टर i बराबर मॉडुलस ऑफ माइनस i बराबर 1 हो जाएगा, उसी तरह से मॉडुलस ऑफ j बराबर मॉडुलस ऑफ माइनस j बराबर 1, मॉडुलस ऑफ k बराबर मॉडुलस ऑफ माइनस k इक्वल टू 1, है ना। ये यूनिट वेक्टर इस लिंक का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अगर बोला जाए कि x, क्वेश्चन में बोला जाए कि दो वेक्टर को जोड़ने पर है ना x, इसका जो रिजल्टेंट है वो x एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आता है, तो हम डायरेक्ट क्या डाल देंगे, i, a प्लस बी इक्वल टू i, है ना। बोला जाता है y डैश एक्सिस पर यूनिट मैग्नीट्यूड आता है, तो क्या लिख देंगे,
ए प्लस बी बराबर माइनस जे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और इस ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे हम पोजीशन वेक्टर इसे निकाल सकते हैं, है ना। आपको प्लेन पर, किसी एक प्लेन पर स्थित कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ही चाहिए। जैसे हम डायरेक्शन के बारे में बोले हुए थे कि टू डायमेंशनल हम डायरेक्शन को देखते हैं, तो ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, और ये होता है। तो प्लेन पेपर पे ईस्ट को हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और इसको मान लेते हैं एक्स डैश एक्सिस। नॉर्थ को मान लेते हैं वाई एक्सिस, और साउथ को मान लेते हैं वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैप आई कैप, और यहां पर माइनस आई कैप, यहां पर जे कैप, और यहां पर माइनस जे कैप। देखिए डायरेक्शन एक और तरीके से हो सकता है, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, इसे हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन में एक प्लेन मेंशन किया गया है, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये x डैश, ये y डैश, और ये z, है ना। देखा जाए तो इस डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और यहां पे हो गया साउथ, ये हो गया अप, और ये हो गया, है ना। तो देख लीजिए, अगर बोलता है कि कोई व्यक्ति जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में जाता है, फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है, और वहां से एक गड्ढा है, गड्ढे में कूद जाता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर, तो यहां से देख लीजिए ये हो गया ना। तो इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर भी है, ये वाई एक्सिस पर भी है, और ये वाला जेड एक्सिस पर भी है। तो यहां पर देख लीजिए, जब भी अपवर्ड मोशन हो, डाउनवर्ड मोशन हो, है ना, तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस माने हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे आई, वेस्ट में आई डैश, सॉरी माइनस आई, नॉर्थ में जे, और साउथ में क्या लिखेंगे, माइनस जे। अपवर्ड जाता है तो अपवर्ड को मान लेते हैं हम लोग के, अपवर्ड को क्या मान लेते हैं हम लोग जेड के, डाउनवर्ड को जेड डैश, डाउनलोड को क्या मान लेते हैं हम लोग जेड डैश, इसको क्या लिखेंगे माइनस के, ओके। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, और उसके अनुसार उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, ये हो गया O और ये हो गया P। तो कोई भी वेक्टर के पोजीशन को हम लोग, ये हो गया X एक्सिस और ये हो गया Y, उसके ओरिजिन से मेजरमेंट करते हैं। तो यहां पर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये क्या हो गया X, Y और Z, ऐसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो X एक्सिस पर इसका जो होगा वो X इक्वल टू लिखेंगे, y एक्सिस पर जो होगा वो y इक्वल पे लिखेंगे, और z एक्सिस पर जो होगा वो z एक्सिस पे लिखेंगे। तो देख लीजिए, क्योंकि ये टू डायमेंशनल है, सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस पे है, मतलब z इक्वल टू जीरो,
है ना, और जो भी होगा कोऑर्डिनेट उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे यहां पर देख लीजिए एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स एक्सिस पर देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ठीक है, डायरेक्शन के अनुसार लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लगता है आई, एक्स एक्सिस पर आई लगता है, वाई पर क्या लगता है वाई इज इक्वल टू देखिए तो 0, 1, 2, 3 ठीक है, वाई एक्सिस पर क्या लगता है जे लगता है, और जेड एक्सिस पर देखते हैं जेड इक्वल टू कितना है जीरो है, क्योंकि तो ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, और इधर क्या लगता है के लगता है, हम सिंपली जोड़ देंगे है ना। मतलब अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है ओपी, ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके तो ये हो जाता है आपका। इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो ओपी इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एक्स कितना है 5i + 3j है ना, जेड तो जीरो है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ये हो गया हमारा इस ओपी का मतलब पी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया आपका O और ये हो गया P है ना। अब OP देखते हैं, तो OP में पहले देखते हैं X एक्सिस पर कितना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा X और Y, तो X इज इक्वल टू कितना है -1, -2, -3, -4 या तो हम यहां पर -4 लिखें तो यहां पर I लिखेंगे, अगर यहां पर 4 लिखेंगे तो यहां पर -I लिखेंगे ठीक है, आई के डायरेक्शन में है ठीक है। वाई पर देखते हैं तो वाई 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो ये जे डायरेक्शन में है ना, तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे है ना, एक्स कितना है जी -4i + 5j ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो ईस्ट की तरफ 10 मीटर जाता है ठीक है, फिर वहां से नॉर्थ की तरफ 2 मीटर ट्रेवल करता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ईस्ट के तरफ क्या है, ईस्ट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है एक्स इज इक्वल टू 10i है ना आई के तरफ, और वाई इज इक्वल टू कितना 2j के तरफ है ना, तो हम लोग ओपी निकालेंगे यहां पर भी, तो ओपी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे है ना, तो ये 10i + 2j ये ओपी का वैल्यू हो जाएगा ओके। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। एक और अब थ्री डायमेंशनल एक देखते हैं क्वेश्चन है ना, थ्री डायमेंशनल क्वेश्चन इस तरीके से देखते हैं कि कोई मक्खी है ना, हाउस फ्लाई है ठीक है, वो क्या करती है कि वो अपने है ना, वो सीधे चार्ज जहां पे है वहां से वो ईस्ट डायरेक्शन में या फिर अपने सामने वो सीधे जाती है 10 मीटर ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि एक फ्लाई हाउस फ्लाई है
हाउस फ्लाई जो है ना वो जाती है नॉर्थ के डायरेक्शन में, मान लेते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में जाती है 4 मीटर, ओके। फिर वहां से जाने के बाद दाहिने मुड़ जाती है, तो यहां पर देखिए तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ का राइट कौन होता है, ये होता है, लेफ्ट कौन होता है, ऐसे होता है। तो नॉर्थ जाने के बाद राइट मुड़ जाना मतलब क्या, ईस्ट की तरफ चले जाना है ना, तो वो क्या हो जाएगा राइट के तरफ जो है वो मुड़ जाती है, मतलब हो गया ईस्ट, ठीक है। इधर कितना 3 मीटर मूव करती है मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला जाता है वहां पर जाने के बाद 3 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो ऊपर की तरफ 10 मीटर ट्रेवल कर जाती है, अपवर्ड जो है वो 10 मीटर मूव कर जाती है। तो देखिए तो अभी हम कुछ देर पहले देखे थे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, अपवर्ड डाउनवर्ड है ना। तो नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा हमारा जे था है ना, ईस्ट की तरफ क्या था आई था, तो नॉर्थ की तरफ हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 और z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10। तो हमारा OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OP, देख लीजिए ये कैसे जाएगा, इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम जो है ये देखते हैं, ये हो गया आपका ईस्ट नॉर्थ और ये अपवर्ड, ठीक है ना। यहां से अब ये पी है पोजीशन, तो पी नॉर्थ पे भी यहां पर है, ईस्ट पर भी यहां पर है और साउथ अपवर्ड में यहां पे है, तो ये पोजीशन में हम लोग देखेंगे एक्स पे यहां पर एक्स से फिर नॉर्थ की तरफ इधर, सॉरी पहले नॉर्थ की तरफ फिर ईस्ट की तरफ, ओके। पहले ये नॉर्थ की तरफ गया फिर ईस्ट की तरफ गया और यहां से फिर ऊपर की ओर मूव किया है ना, तो यहां से इसका पोजीशन कौन सा, ये पोजीशन है, ठीक है। यहां से इसका पोजीशन कौन सा है, ये है, तो हम लोग देख लिए ये कितनी दूरी पर है, ये वाई एक्सिस पर इतनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस पर इतनी दूरी पर है और जेड एक्सिस पर कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है। तो इसका पोजीशन रखकर लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू एक्स आई मतलब 3i प्लस 4j प्लस 10, ओके। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ओके। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस प्रकार से निकालेंगे है ना, अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, तो देखिए दो पोजीशन अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, अभी कोई पॉइंट P पर है, ठीक है, और P से एक हिस्सा के Q पर चला जा रहा है, Q पर चला जा रहा है, तो ये ओरिजिन है ना। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका OP है, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, OQ है ना, ये P से Q की ओर मूव कर रहा है, तो इनिशियल पोजीशन है OP और फाइनल पोजीशन है OQ। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा देंगे, पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे, तब जाकर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ऐसे तो हम समझते हैं कि हाँ जैसे स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ही होता है। तो यहां पर देख लीजिए कि हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल एक वेक्टर, जैसे ये एक वेक्टर है ना और ये एक वेक्टर है, तो इसका जो निगेटिव वेक्टर है ना, एक एक वेक्टर का जो निगेटिव वेक्टर है उसके साथ
दूसरे वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। जैसे ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है ना, तो बी का निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी है ना। तो ए को अगर बी के निगेटिव वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ए माइनस बी है ना, या फिर इसका निगेटिव वेक्टर है ए, तो बी को अगर हम लोग ए के निगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी माइनस ए। और निगेटिव वेक्टर के बारे में हम लोग देखे थे कि वो मैग्नीट्यूड में सेम टू सेम जो है जो भी वेक्टर दिया गया उसके बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट होता है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में ए और माइनस ए के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, बी और माइनस बी के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा हो जाएगा पी क्यू है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू, और पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेक्टर है ओ क्यू माइनस इनिशियल वेक्टर है ओ पी, इनिशियल वेक्टर क्या है ओ पी, तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। देखते हैं इसी पर कुछ क्वेश्चन, आसान आसान से जो है कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं है ना, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कुछ टफ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया जाएगा क्वेश्चन, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम लोग उसको क्लास में भी सॉल्व करेंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत आता है तो उसको क्लास में सॉल्व करके देखेंगे, ओके। तो यहां पर देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं इफ OP इज इक्वल टू दिया है 3i प्लस 2j माइनस के, एंड OQ इज इक्वल टू दिया है i प्लस j प्लस के है ना, तो हम लोगों को निकालना है PQ, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OQ माइनस ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी, ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, यहां पर देखिए तो आई प्लस जे प्लस के माइनस थ्री आई प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस टू जे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के, तो देखिए तो प्लस आई में से माइनस थ्री आई जाएगा तो कितना जाएगा माइनस टू आई, प्लस में से माइनस टू जाएगा तो माइनस जे, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा टू के, और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए एक देखते हैं यहां पर, ठीक है, ये हो गया पॉइंट पी, तो पॉइंट पी का देखिए तो पोजीशन कितना है, यहां पर है जे एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर इतना है, फिर कोई बॉडी जो है पी से स्टार्ट होके और क्यू पे जाता है, ठीक है क्यू पर जाता है, तो डिस्प्लेस कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालना है। तो पहले P का पोजीशन निकालते हैं, तो OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, X एक्सिस पर कितना है 0 1 2 3 3i 0 1 2 3 4 प्लस 4j, ओके। OQ निकालते हैं, तो OQ का पोजीशन कितना है, OQ का पोजीशन है X एक्सिस पर देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 OQ इज इक्वल टू
सेवन आई प्लस वाई एक्सिस पर कितना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव जी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यही ना होगा, पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, तो इट इज इक्वल टू ओ क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेवन आई प्लस फाइव जे माइनस थ्री आई माइनस फोर जे। ओके, तो सेवन आई में से थ्री आई जाएगा कितना आ जाएगा, फोर आई प्लस माइनस माइनस जे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन और भी दिया गया है आप लोगों को बनाने के लिए, है ना, उसको बनाइएगा, ठीक है, जो समस्या होगा उसको बताइएगा, ठीक है।